सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको तत्सम और तत्वों को पहचानने की जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 6 वर्ण याद रखने, शब्द नहीं सिर्फ वर्ण। यदि आपने 5-6 वर्ण याद कर लिए, माइंड में सेट कर लिए, तो इसके बाद आपका तत्सम तत्वों का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। ये आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल, यूपीएसआई और एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जानेगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रूपांतरण किस शब्द का रूपांतरण किस में होता है, ये आप कंप्लीट सीखने वाले हो। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपके माइंड में सभी टॉपिक, ये सभी ट्रिक कैसे सेट करता हूं, सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। आप स्वयं देखना कि आप कितने बेहतरीन तरीके से तत्सम तत्वों को कवर कर चुके होंगे। आपने आज तक यूट्यूब पर ऐसी क्लास पहले नहीं देखी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको तत्सम और तत्वों में। बच्चों को डाउट होता है कि सर तत्सम संस्कृत वाले होते हैं या तत्वों होते हैं। चलो अब मैं बता देता हूं, तत्सम में से लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? से। इसका मतलब क्या हुआ? जहां भी आपका से वाला हो, से मतलब तत्सम, वो हमेशा संस्कृत वाले होंगे। तत्व कौन से होंगे बच्चों? हिंदी वाले होंगे। 2 से 5 सेकंड के बीच में डायरेक्ट आपको देखते बताना है कौन सा है। कैसे बताओगे? 5 से 6 वर्ण याद कर लेना। अभी देखिएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले आपको पता चल चुका है से वाले संस्कृत वाले होंगे, तत्व होंगे आपके हिंदी वाले। यदि किसी भी शब्द के बीच में आपको, या किसी भी शब्द में रीरी वाला रे नजर आ जाए, रीरी वाला ने रे नजर आ जाए आपको कहीं पर भी, जैसे नरक है, आया ये नृत्य में रे आ रहा है रीरी वाला, ये चंद्र में नीचे रे आ रहा है रीरी वाला, तो आपका हमेशा वो क्या होगा बच्चों? तत्सम होगा। हमेशा क्या होगा? तत्सम। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसका रूपांतरण कैसे होता है। जैसे कि नरक है, नरक को क्या बोलते हैं? नार। नृत्य है, नृत्य को क्या बोलते हैं हिंदी में तत्व में? नाच। आर्मचूर्ण है, इसको क्या बोलते हैं? आमचूर। चंद्र है, चंद्र को क्या बोलते हैं? चांद। इतनी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है? रीरी वाला रे जहां पर आ जाए हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है बच्चों आपको? जहां पर भी चंद्र बिंदु नजर आ जाए लगा हुआ, जैसे गेहूं लिखते हैं गेहूं में हुआ हु के ऊपर आता है, गांव लिखते हैं गांव में चंद्र बिंदु आता है, ऊंट में चंद्र बिंदु आता है, चांद में चंद्र बिंदु आता है, जहां पर भी आपका चंद्र बिंदु आ जाए वो क्या होगा? हमेशा तत्व होगा, हमेशा तत्व। 2 पॉइंट याद रखने हैं। रीरी वाला रे आया आपका तो क्या होगा? तत्सम। चंद्र बिंदु वाला, ये चंद्र बिंदु ऊपर लगे हुआ आया, क्या होगा? तत्व। 2 पॉइंट याद हुए। इसके बाद मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। 3rd पॉइंट आपको क्या याद रखना है? सरे, बड़ा से और पेट पटा से, ये 3 वर्ण जिस भी शब्द में आ जाएंगे हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। हमेशा क्या होगा? तत्सम। सर कैसे? देखिएगा, दसम, तत्सम में दसम लिखा जाता है। इन तीनों को कन्वर्ट कह में किया जाता है, से में कन्वर्ट किया जाता है, ये रूपांतरण है बस, कुछ भी तो नहीं है। 3rd पॉइंट क्या याद रखना है? सर्वण, सर्वण वाला सरे, बड़ा से, पेट पटा से, किसी भी शब्द में आ जाए क्या होंगे? तत्सम होंगे। इनको बदलते कैसे है सर? इनको बदलने के लिए इन तीनों को कन्वर्ट कह में होते हैं, तीनों छोटे से में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जाम्पल के साथ समझो। दसम, दस को, दसम को क्या लिखते हैं हिंदी में? दसवा। श्यामल, श्यामल को क्या लिखते हैं? सांवला। शंकु, शंकु को क्या लिखते हैं? सुवा। आशीष, आशीष को क्या लिखते हैं? आशीष। श्रावण, श्रावण को क्या लिखते हैं? सावन। ठीक है जी, इसके बाद धन सृष्टि, धनासिट्ठी। बात समझ में आई? 2 पॉइंट याद हुए। सरे, बड़ा से और पेट पटा से जहां गए हमेशा क्या होंगे? तत्सम होंगे। इनका रूपांतरण किसमें होगा? से में होगा। 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। 3rd वन क्या है बच्चों? तीसरी बात आपको क्या याद रखनी? वे वाले हमेशा तत्सम होंगे। वे वाले क्या होंगे? तत्सम होंगे। कैसे होंगे सर? देखिएगा, क्या होंगे वे वाले? तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के। और ये वे किस में बदलेगा? ये वे हमेशा बे में बदलेगा। ये वे आपका हमेशा किस में बदलेगा? बे में बदलेगा। कैसे? वधु, तत्सम में वधु कहते हैं, और तत्भव में क्या होगा? वो बहु। वर्धन, वर्धन मतलब वृद्धि वाला वर्धन, तत्सम में वर्धन कहते हैं, बदलता कहे में वह वै में बढ़ना। इसके बाद वर्तिका, तत्सम में वह वाला वह होता है ना, तत्सम में वर्तिका, हिंदी में रूपांतरण क्या होगा? बत्ती। वह का वै में बदलना। बात समझ में आई? वंद्या, बांझ। क्लियर है? 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं।
अभी इसमें रिवाइज करवा दूंगा, फाइनल इसमें पांचों को एक साथ बता दूंगा आपको, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चन मैं आपकी आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। 20 प्रीवियस क्वेश्चन है और लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप आंसर स्वयं दोगे। नेक्स्ट देखिएगा, अक्सर वाला जो बच्चों ये आता है, ये कहीं में बदलता है, ये ख और छ में बदलता है, कहीं पर ये वाला दिख जाए ना आपको लिखा हुआ तो डायरेक्ट लगा देना तत्सम, 101% आपका क्वेश्चन सही होगा बिल्कुल। अक्सर देखो, जैसे कि तत्सम में क्या होता है अक्सर, हिंदी में क्या होता है अक्षर, ख और छ में बदलता है ये, अक्सी तत्सम में होता है अक्सी, ये अक्सी वाला अक्सी वो कहीं में बदला, ख में बदला, आंख हो जाएगा तत्सम तत्व में। अंगरक्षक, फिर अक्षर वाला आया ये अंगरखा, इक्सु एक, अब आप समझ चुके होंगे जहां पर भी आपको ये दिखाई देगा अक्षे वाला ये, तो क्या होगा वो तत्सम होगा, ये बदलेगा कहीं में ख और छ में बदलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, बस आपको मैं 5 पॉइंट बता चुका हूं। नंबर एक क्या था मेरा, रीरी रीरी रे, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ब्लैंक स्लाइड पर लिख देता हूँ साथ के साथ, जिससे कि आप फिर प्रैक्टिस करते हुए कोई दिक्कत ना हो आपको। तत्सम कौन से होंगे बच्चों, तत्सम संस्कृत वाले तत्भव, उसके बाद देखो कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे करने वाले हम प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। तत्सम में मैं आपको सबसे पहले बताया है, जहां पर आपको रीरी वाला रे आ जाए नजर, रीरी और रे हाफ वाला जैसे कि नृत्य में हमेशा तत्सम, क्लियर है जी। इसके बाद में आपको सेकंड पॉइंट बताया, वह आपको नजर आ जाए, वह कहीं में बदलेगा सीधा ये, वह आपका बै में बदलेगा, 2 पॉइंट हुए मेरे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, श्रवण वाला श्रे और बड़ा से और इसके बाद पेट पटा से, ये तीनों वर्ण कहीं पर दिखाई देंगे हमेशा तत्सम होगा, ये कहीं में बदलेंगे से में बदलेंगे, छोटे से में। इसके बाद मैं आपको बताया एक ये अक्षे वाला ये होगा जो आपका जहां पर दिखाई दे जाए लिखा हुआ हमेशा तत्सम होगा, और ये किस में बदलेगा बच्चों, ये आपका ख और छ में बदलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा आपको तत्सम तत्व में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द छांटिए, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द छांटिए। अब इसमें देखो, इसमें अक्ष वाला ही आया, ये तो आपका सर जी ये तो पक्ष है, ये तो आपका तत्सम हुआ, तत्भव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कपूर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कपूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपूर को तत्भव में कैसे लिखेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना साथ के साथ, कपूर को तत्सम में कैसे लिखेंगे, तत्सम में कपूर को लिखते हैं कर्पूर, क्या लिखते हैं कर्पूर आपका लिखा जाता है कपूर को। इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट, मयूर तो आपका है ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, तत्भव बोले तो हिंदी वाला, तत्भव बोले तो हिंदी वाला। क्वेश्चन नंबर दो में आपका अजरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है, अंगरक्षक अक्ष आया। देखो सारी चीज तो एकदम तो ऐसा तो है नहीं 100%, बस ये 5 वर्ण याद करती, लेकिन हाँ मैं मैक्सिमम कन्वर्जन में और डायरेक्ट सॉर्ट आउट सोल्व करने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपके क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक करेंगे ये 5 वर्ण ही। तत्व बताना है, अंगरक्षक तो सर मैं आपको बता चुका हूँ अक्ष आया, ये तो आपका कौन सा संस्कृत का है, ये तो होनेगा नहीं। फिर आपके इसके बाद आया आशा, बड़ा से आया, क्या आया बड़ा से, ये आपका तत्सम हो जाएगा, ये भी नहीं होने का। अंधकार आया आपका, अंक बिंदी आ रहा अंधेरा बोल रहे, ये भी आपका नहीं होने का। बचा क्या तत्भव वाला, ऑप्शन नंबर एक ही तो बचा, बस ये तो प्रैक्टिस है, इससे ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे, इतनी आपकी समझ बढ़ती जाएगी तत्सम और तद्भव में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको ये भी तो बता दूं इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, ये आपका तत्सम है, ये आपका क्या है जी, क्या बोल रहे हैं अंधकार है, अंधकार को अंधकार है तत्सम, तद्भव क्या होगा अंधेरा, क्लियर है। अंगरक्षक, अंगरक्षक है आपका तत्सम, क्या होगा अंग रखा खे में बदल जाएगा, वो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको। आशा बड़ा से है तो आशा को तत्व में बोलेंगे आस, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। अचरज है, ये अचरज तो तत्व है लेकिन इसका तत्सम भी तो पता होना चाहिए ना आपको, अचरज का आश्चर्य, क्या होगा आश्चर्य, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए, तत्भव बोले हिंदी वाला, बताओ कितना आसान है, और मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन ये गलत होते हैं यदि आप रट्टा फिक्सेशन करके जाओगे, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए, तत्भव मतलब हिंदी वाला पूछ रहा,
इसमें तो सर वो आगा पेट पटा से, वो तो हो ही नहीं सकता, आपने बताया है तत्सम आएगा वो, ठीक है जी। इसके बाद पक्ष आ गया जी आपका, ये भी नहीं हो सकता, देखो डायरेक्ट करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर आ जाएगा अंक बिंदु आ गई जी इसमें, ये भी नहीं होने का, क्या बचा प्यासा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यासा। प्यासा आपका क्या है, तद्भव है जी प्यासा, लेकिन अब आपका प्यासा तद्भव तो है, आपको तत्सम भी तो पता होना चाहिए ना इसका, ये भी तो पूछा जा सकता है, प्यासा का तद्भव क्या होगा, आपका तत्सम क्या होगा, प्यासे का होता है पी पासु, प्यासे का तत्सम होगा आपका पीपासु, क्लियर है क्या जी बात, कितनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत भाषा के हिंदी में बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के तो मतलब संस्कृत वाले हुए वो, तो उनको क्या कहते हैं, संस्कृत वाले कौन से होते हैं, सहज इसमें लगा, सहज इसमें लगा तत्सम शब्द में, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पांच का बताना है तत्भव, फिर हिंदी वाला बताना है, अब एक्सपर्ट हो चुके हैं हम ट्रिक के साथ, पांच छह वर्ण से ही सभी टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। ग्राम रह आया रीरी वाला, रीरी वाला रह किस में आता है, तत्सम में आता है, ये तो है नहीं। श्रे आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। सूर्य है, फिर रह आया रीरी वाला, ये भी नहीं है। बचा क्या, बचा क्या, माथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बच्चों, राइट होगा। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट से भी कवर कराऊंगा, माथा क्या है बच्चों, माथा है आपका तत्भव, माथा क्या है तत्भव, इसका तत्सम क्या होगा, मस्तक, क्या होगा इसका तत्सम, तत्सम मस्तक। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बच्चों सोल, ये यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल और यूपी एसआई में आए हुए पर्सन है, यदि आप चाहते हो एक बार देख लेना, आप पेपर डाउनलोड करके देख लेना यूपी पुलिस भर्ती के, एसआई और कॉन्स्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ इस सीरीज के अंतर्गत में, और सारे लगातार क्वेश्चन आए हैं, अपनी तरफ से बच्चों मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, कभी ये ट्रिक के हिसाब से, आप कुछ बच्चे मन में होगी ये बात कि सर ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन सेट करके लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी मैं डेट भी लिख देता हूँ, कौन सा पेपर, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आपका आया था, ये यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में आपका 25/10/18 को आया था, ये डेट लिखता चलूंगा मैं आपको आपके सामने, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारा माथे का क्या होगा, मस्तक, माथे का क्या होगा, मस्तक आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्राम, आंसू और आपका सूर्य, ये सभी तत्सम है, और ग्राम का क्या होगा, गांव, अंक बिंदी आ जाएगी, ये लो गांव होगा। आंसू का क्या होगा, आंसू, ये आ जाएगा आंसू। चंद्रबिंदु, जहां चंद्रबिंदु आएगा क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। सूर्य, सूर्य का क्या होगा, सूरज, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, तद्भव, तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव, तद्भव शब्द किसके बने हैं बच्चों, संस्कृत शब्दों में, शब्दों में कुछ बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्भव रूप है, ग्राम का बताना है, ग्राम का तत्भव बताना है। ग्राम रीरी वाला रह आया, ये हटेगा, क्या लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा सर, क्या लगेगा, चंद्रबिंदु कौन से पे बता दो बस मुझे सर, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बस ये पांच छह वर्ण तो याद करने बच्चों, थोड़ा बस प्रैक्टिस का खेल है। तत्सम शब्द पहचान, तत्सम बोले तो संस्कृत वाला, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही है बस, तत्सम बोले तो संस्कृत। अब संस्कृत का देखते हैं, संस्कृत का देखिएगा क्या है, रीरी वाला रह आ रहा है सर नजर मुझे, चलो मैं डेट लिख देता हूं साथ के साथ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठ निद्रा वाला है बच्चों, ये आपका आया था 26/10/2018 को, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, रीरी वाला रह वाला निद्रा हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, तत्सम होगा। अब मैं थोड़ा इन्हें तत्भव में कन्वर्ट करना भी सिखाता हूं आपको, निद्रा, निद्रा तो है आपका तत्सम, तद्भव क्या होगा, हिंदी में नींद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नींद। अब मैं बात करता हूं कान, कान का क्या हो जाएगा, कर्ण, ये आपका कान तो है तद्भव, तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ण। मोर, मोर का क्या हो जाएगा बच्चों, म्यूर। बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा, वानर, बंदर का क्या हो जाएगा, वानर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके समझ में आ चुका होगा, बस कीवर्ड वही है,
पांच छह वर्ण है उनको याद करो, प्रैक्टिस करो और माइंड में सेट करके क्वेश्चनों के राइट आंसर लगाते हुए चलो। आज की क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एसआई, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, जिसमें भी आपके तत्सम तद्भव आते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा ज्यादा क्लास को, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्द में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्भव है। तत्भव मतलब हिंदी वाला कह रहा है ये। मक्सिका, क्या बोला जिसने? मक्सिका बोला। अक्षय मक्सिका का क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी को कह जी। मक्खी को क्या कहते हैं? मक्सिका कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से सर ये तो बताओ, मोर को क्या कहते हैं, भूरा का क्या कहते हैं, मेंढक को क्या कहते हैं? बिल्कुल बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं आपसे वादा किया हूं आज की क्लास में 200 प्लस क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा मैं आपको। मोर, मोर होता है बच्चों आपका, मोर क्या होता है बच्चों आपका, मोर को कहेंगे म्यूर, म्यूर कहेंगे। मोर होता है आपका तत्भव, तत्सम में होगा म्यूर। भोरा, भोरा होता है आपका तत्भव, भोरे को भ्रमर बोल देंगे, क्या बोल देंगे? रीरी वाला रह लगा देंगे इसमें। मेंढक, मेंढक बच्चों मेंढक को क्या बोल देंगे? मंडूक, मेंढक को क्या बोल देंगे? मंडूक। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चतुष्पदी का तत्भव है, चतुष्पदी वाला क्वेश्चन ये आपका यूपीएसआई 2001 के पेपर में आपका आया था। चतुष्पदी का तत्भव है, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चौपाई। क्या हो जाएगा? चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जालक का तत्भव है जालक, ये आपका यूपीएसआई मृतक आश्रित वाले 2016 के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था। जालक का तत्भव है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा झरोका। जालक का क्या हो जाएगा? झरोका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है मतलब संस्कृत का नहीं है, संस्कृत का नहीं है। देखो अक्षु आया, अक्षय वाला आया अक्षु, ये तो आपका सर तत्सम होगा। चलो जी उष्ट रह आया फिर नीचे लास्ट में आपके, सर ये भी होगा। इसके बाद दधी, धै के साथ ई की मात्रा आई, ये भी आपका होगा। इसका मतलब कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द नहीं है सिंगार नहीं है, सिंगार नहीं है। बस यही तो आपको फाइंड आउट करना है, बस ये गेम है प्रैक्टिस का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं? जुकेतु आए हैं भाई, वो जुकेतु क्या कहलाएंगे आपके? तत्सम कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा तत्सम तत्भव का सही जोड़ा नहीं है? अब हम फाइंड आउट करना जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, हमें याद हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का आपका। देखते हैं जोड़ा सही नहीं है। दधी धै आया, दही बिल्कुल ठीक है। उष्ट नीचे रह आ रहा था इसमें, चंद्रबिंदु वाला ऊंट बनेगा, बिल्कुल ठीक है। नजर, नजर है नजर, नजर आंख, नजर का तो आंख तो यो तत्भव में तो ठीक लिखा हुआ सर, लेकिन जो तत्भव में आंख होता है उसका नजर नहीं होता, उसका क्या होता है? अक्षी। ये अक्षय वाला ए खे में बदला था, इतना मैं आपको स्टार्टिंग में बता कर आया हूं। श्रृंगार का सिंगार हो ही जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका जोड़ा सही नहीं है, नजर है, क्योंकि खे अक्षय में बदलेगा, अक्षी होगा वो। क्वेश्चन नंबर 15। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तत्भव शब्द कौन सा होगा? ज्येष्ठ पेटपटा से आया है, तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों? पेटपटा से जब जैसे ही हमारे सामने हमें दिखाई दिया कि पेटपटा से आया है ज्येष्ठ का, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे का कनिष्ठ होता है, इतना भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किंचित तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताइए। किंचित ये आपका संस्कृत में है, हिंदी में बताना है इसका किंचित का होगा कुछ। क्या होगा बच्चों? कुछ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूं। डायरेक्ट याद रखना है, बस डायरेक्ट क्या करना है? याद रखना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ के साथ, मैं थोड़ा साफ साफ लिखूंगा बच्चों। इक्सु, इक्सु को क्या बोलते हैं? ईक। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ईक, क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? क्षेत्र। क्या पूछा जाता है? क्षेत्र। क्षेत्र का क्या होता है? खेत। क्षेत्र का क्या होता है? खेत। बार बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हल्दी। हल्दी को तत्सम में क्या कहेंगे?
हरिद्रा बोलते हैं, हरिद्रा। हरिद्रा किसका होता है? हल्दी का। स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में बच्चों इसका, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक आता है, आपका पत्ता। पत्ता का क्या होता है बच्चों? पत्र। क्या होता है? पत्र। पत्र का क्या पत्ता होता है? एक पूछा जाता है दधी। क्या होता है? दधी। दधी होता है आपका तत्सम में, हिंदी में बोलते हैं दही, हिंदी में बोलते हैं। एक होता है तिक्त। तिक्त, तिक्त, तीखा मत लगा देना, तीता होता है, तीता। बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है, गलत होता है। एक पूछा जाता है आपसे बार बार कपड़ा। कपड़ा तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बोले तो तत्व में, तो तत्सम क्या होगा? करपट होता है। क्या होता है? करपट। क्या होता है? करपट। इतनी बात समझ में आई आपकी। गेहूं का भी बार बार पूछा जाता है, गेहूं। गेहूं को क्या बोलते हैं तत्सम में? गोधूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूम। बस 20-25-30 ही कवर कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसू। आंसू हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसू। तत्सम क्या होगा इसका? अक्सु। अश्रु। अक्सु नहीं, अश्रु। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपका जो आपसे पूछा जाता है, अखरोट का पूछा जाता है बार बार। अखरोट, अखरोट खाने वाला होता है ना, अखरोट। अखरोट का तत्सम क्या होगा बच्चों? अक्सोट। क्या हो जाएगा? अक्सोट। खै और छह वही रिलेशन आ रहा है जो मैं स्टार्टिंग में ट्रिक बताकर आया हूं आपको, स्टार्टिंग बताया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंगीठी, इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो बस। क्या पूछा जाता है बेटा? अंगीठी। अंगीठी, अंगीठी और अंगूठी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंगीठी का होता है अग्निष्ठा। क्या लिखो? क्या होता है बच्चों? अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका, क्लियर है इतनी बात। एक पूछा जाता है अदरक। अदरक का क्या होता है? आर्दक। आर्दक, इतनी बात समझ में आई। मक्खी का क्या होता है? मक्सी का मैं आपको कवर करा चुका हूं। नारियल का नारिकेल होता है, इतना मैं आपको बता ही चुका हूं। एक पूछा जाता है आपसे आम का आम्र होता है, ये आपको पता ही है। कबूतर का होता है कपोत। कबूतर, कबूतर का क्या होता है? कपोत। एक होता है अटारी का भी पूछा जाता है, बच्चों पूछे तो वो जाते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस कर लो बस, ये यही इन्हीं में से मिल जाएगा आपको, रखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। अटारी का होता है अटाटालिका, लिका। क्लियर है इतनी बात समझ में आई बच्चों। और इसके बाद कुछ शब्द ऐसे आते हैं, तुर्की वाले कौन से होते हैं, पुर्तगाली वाले कौन से होते हैं, अरबी कौन से होते हैं, फारसी कौन से आपके होते हैं, ये पूछा जाता है, जो कि मैं एक इसकी सेकेंड क्लास भी लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप याद कैसे करोगे, कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, कौन सा कैसा है। यदि आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।